हाँ जी जसविंदर कह रहे हैं कि अभी भी आपने बहुत अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स की बात की, क्या ये आपने अगली फिल्म में डालेंगे ऐसे डांस फॉर्म्स? हाँ जी हाँ जी डालेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल डालेंगे। सिखा सिखा देखा नहीं आप, लक मार झूठा, लक मार झूठा, लक मार झूठा, लक मार झूठा है वो वाला डांस था ये, क्या आपको बताना भूल गए थे बाद में। अभी ये भी बहुत अच्छा लगा आपका जो डांस ना, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा, ये भी गाना भी बन सकता है, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा, लाला सूटा, लक मारे झूठा, गंदा सूटा, बाद में गंदा सूटा भी कर सकते हैं, पहले लाले सूटा, लक मारे झूठा, तो झूठा मार लग गया, फिर सिट दे सूटा, गंदा सूटा, लक मारे झूठा, सही है, बहुत ही अच्छा है। पटियाला कर तू लगाया कर बूटा, लक मारे झूठा, सही है, पटियाला बूटा, पटियाला कर तू लगा दे बूटा, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा, बहुत अच्छा ही है। देखो ऐसे बन जाते पतला बंदा कदे न मारे, क्या पता वो कब्जी टूटा, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा, क्या गुरदास वर्गा सुक्कड़ मारने लग जाए, पता चले ये वाला मोशन इधर रह गया, हड्डियां तो पहले बाजा बजाती रहती हैं, वो चलेगा ना पतंदर ऐसे लगता है ना कोई चीज टूटती जा रही, चकड़ तकड़ तकड़ तकड़, कहीं की हड्डियां बोलती हैं, वो गुरदास का तो नहीं पता पर कई बंदों को हमने देखा है चलते चलते पटाखे पाते जाते हैं। एक हम एपिसोड ऐसा भी जरूर करेंगे कैसा, कि जो मोटे होते हैं ना वो खाते नहीं है, नहीं नहीं सच्ची है, वो फिर भी मोटे हो जाते हैं, जो पतले हैं इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं, हम ये एपिसोड है कि ये भी लेके आएंगे, सही है, पतले वर्सेस मोटे, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कहा आपने, मोटे कभी मानते नहीं वैसे कि मैं खाता नहीं, नहीं आप अब वही डिस्कशन करेंगे ना, हाँ वही कर लेंगे, हाँ। और पतले जो होते पतले क्या कहते हैं और मोटे क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब जिसकी हड्डियां ही ना झाड़ू के तिल्ले की तरह है, कितना का मास चढ़ जाएगा उसको, हाँ जी तो लक मारे झूठा, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा, पतली हड्डी का कभी भी टूटा, लक मारे, अब मेरे दो तीन दिन यही चलेगा, लक मारे झूठा, लक मारे, बाई चांस पैदा हो गए थे बड़े बड़े, लक मारे झूठा, लक मारे झूठा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, हाँ जी, तो हम चलते हैं वापस अपने उसी ट्रैक पे, हाँ आ जाओ जी ट्रैक के बाहर खड़े बंदे। ये प्रतीक्षा जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि आजकल बच्चों के लिए करियर को ट्रैक पे चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है, करियर को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कैसे गाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करें उनको क्या करियर चूज करना है आगे की जिंदगी के लिए? वैसे बच्चे छोटे होते हैं तो आप तो मोटे होते हैं, आपको देखना चाहिए कि भी आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में, धक्के से जो चीज आप थोप देते हो ना बच्चे की वृद्धि को रोक देते हो, सच में बच्चे से पूछो, बच्चे का देखो भी कैसे कर रहा है, तो बच्चा सच में तरक्की करेगा, और ये माँ बाप को डिसाइड करना चाहिए हाँ, कि उसका कैरियर कैसे करना है, वैसे कैरियर तो साइकिल के भी होता है है जी, हमारे टाइम में तो कैरियर ही कहते थे, और कोई चीज होगी है, गाड़ी बैठ के सीट पे कैरियर पे टिफिन रख लो है जी, और नहीं तो कोई चप्पल ना चुरा के ले जाए, चप्पल फंसा के रख दो, ये आम बात होती थी, हाँ जी हाँ जी, कच्छा तक रख देते थे हैं जी, एक जैसे नहा लिए दूसरा पहन लिया उसको सुखाने के लिए, कैरियर में अड़ाते साइकिल पकाते उड़ता आता थोड़ी देर में सूख जाता है, बड़ी बड़ी चीजें होती, कैरियर कैरियर ही होता है भाई, तो संभाल के चलाओ, संभाल के रखो। राजेश कह रहे हैं कि काश हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर्स कैंसिल सिद्धू होते तो क्या होता, ये तो गुड्डी से पूछो है जी, गुड्डी स्कूल के टीचर होते कि ना होते, अगर स्कूल के टीचर स्कैन सिंह सिद्धू होते तो उनका बहुत बुरा हाल होना, सही बात है क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं असल में ये हुआ, कल बंदे को कहा था कि यह कांचे रखना, उन्होंने कंचे तो रखी नहीं, वो मुंह टट के फिर वासी ले रहा, उन्होंने कहा आप रीत तो पूरी रेगुल कर ली तक सदा चली आई है जी, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मतलब यही हुआ कि भाई आप कुछ तो करना पड़ेगा, पानी पिलाया तो गुड्डी को ऊपर कैमरा आ गया, हमारे चक्के पानी उसको पिला दिया, बस देखो अगर आपके स्पोर्ट अगर टीचर होते स्कैन सिंह सिद्धू आपका क्या हाल होता, देखो स्कैन सिंह सिद्धू होते अगर टीचर हैं जी तो फिर आपको बड़ा सिखाते, बहुत कुछ सिखाते, क्या नचाते आपको, आप तो क्या आपके मम्मी पापा भी घर में बैठे बैठे पढ़ जाते, हाँ इस तरह की पढ़ाई करवानी थी उसने, ऑनलाइन पढ़ाई, बिल्कुल ऑनलाइन चलते चलते पढ़ाई, घर से चलो ए फॉर अम्बो मतलब पंजाबी वाले अम्बो ही कहते ना दादी को, हाँ ऐसे चलता था,
आफर आंख, आफर आक, आक को आंख में मत डालो खराब हो जाएगी, है जी। क्यों मतलब ऑनलाइन पढ़ाई, हाँ, चलते चलते जो चीज सामने आ गई है प्रैक्टिकल। हाँ, जयफर झूठा, मैं फिर मोटा, सामने बंदा मोटा आ गया जी। कैफर खोटा, सैफर सिक्का, वो फिल्म में था। तो ऑनलाइन पढ़ाई होती, हाँ, है? तो साथ में मान लो कि बंदा बैठे है, तो भाई क्या सुना देते है, ये गल आ गई कैफर खोटा, वो बंदे चक लेंदे खोटा। यार हमें बोल के क्या, खड़ जा तू, ये चीजें तो बाई चांस हो जाती है, हाँ। पर बंदा सीखता पूरा, हाँ। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हीना का भी है और सुकृति का भी है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप दोनों बाप बेटी की जोड़ी, फादर डॉटर डुओ, ऑसम लग रहा है, बहुत कैंट लग रहे हैं दोनों जी। तो जी दीदी से भी जानना चाहेंगे वो क्या कहती है इस बारे में। मैं क्या कहती हूँ, हाँ गुड्डी आप सुंदर लग रही हो, इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? आप सुंदर लग रहे हैं इसलिए कि लेख लिखो, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे कैसे लिखो ऐसे। थैंक यू, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, गुड्डी बहुत सुंदर है, गुड्डी मास्टर जी की गुड्डी है, रब ने ये भेजी है इसलिए ये सुंदर है, सुंदर मुंदर ये हो, बल्ले 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 हो, चकते फटे हो, तू तो बड़ी सुंदर हो, है जी, क्या लगाती हो, क्या खाती हो, हमें जरूर बताओ हो, है जी, बन गया लेकर है? सही है। इसका कि शरीर को संभाल के रखो चाहे ना रखो, रफ एंड टफ रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे, है जी, हाँ। इसका सार निकला है। हाँ जी।